एसपीसी का हक लूटने का खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी एसटी ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। इंडी गठबंधन की दूसरी योजना तो और भी खतरनाक है और ये भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने महीनों तक चर्चा करके जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आंबेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां है, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है, जब संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो कुछ भी नहीं, सबके साथ रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया, ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है, बिहार में भी ये इनकी कर्नाटका जी फॉर्मूला है। वो इंडी गठबंधन वाले यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे और धर्म के नाम पर बांट देंगे, अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। और इसमें भी कांग्रेस को आरजेडी का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने का खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी एसटी ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे और ये मोदी की गारंटी है।